और आसमान में भारत का अदृश्य हथियार यानी फूफा जब गरजेगा तो चीन पाकिस्तान हांपेगा। ये रिपोर्ट देखिए। भारत की आसमानी ताकत देख कांपा चीन और पाकिस्तान। फूफा की गगनभेदी उड़ान, दुश्मन सावधान। भारत का फूफा, पाकिस्तान का हलक सूखा। जनरल कापा, फूफा से पाकिस्तान हाफा। शहबाज को क्यों सताया फूफा का डर। हिंदुस्तान की शान, नौसेना की ताकत, देश का गुमान, 140 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान और आसमान में भारत का अदृश्य हथियार यानी फूफा जब गरजेगा तो चीन पाकिस्तान हांफेगा। आप चाहे जो भी कह लें, लेकिन सच यही है, जब फूफा आसमान की बुलंदियों पर हुंकार भरेगा तो पाकिस्तान थर थर कांपेगा। भारत के फूफा का बस नाम ही काफी है। इस फूफा से जितना पाकिस्तान परेशान है उतना ही चीन खौफ में है। भारत का फूफा जब आसमान में गरजेगा तो दुश्मनों का कलेजा हिलेगा, चीन पाकिस्तान का हलक सूख जाएगा। शहबाज और शी जिनपिंग खौफ से कांप रहे होंगे, क्योंकि भारत का फूफा दुश्मनों की हर नापाक हरकतों को नेस्तनाबूद करने के लिए अंगड़ाई ले रहा है। फूफा न सिर्फ साजिश को बेनकाब करेगा बल्कि दुश्मन के मिशन को खाक में मिलाकर ताबड़तोड़ बम बरसाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और वो चाहते हैं कि आने वाले दशकों में चीन एशिया का बादशाह बन जाए और एशिया में कोई भी मुल्क ऐसा ना हो जो कि चीन को चैलेंज कर सके। लेकिन जब चीन भारत को उभरता हुआ देखता है, भारत की प्रगति को देखता है और हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बढ़ते हुए ताकत को देखता है तो कभी कभी चीन डर जाता है। इसीलिए चीन को बहुत ईर्ष्या भी है और चीन साम दाम दंड भेद से ये कोशिश कर रहा है कि भारत की उभरती हुई ताकत को किस तरह से कुचल दे। बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट है फूफा। फिलहाल प्रोजेक्ट बेहद शुरुआती दौर में है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है, ना ही इसके प्लान को लेकर कई ज्यादा सूचना है। लेकिन दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा है उसी तकनीक को स्वदेशी तरीके से पेश किए जाने की उम्मीद है। डीआरडीओ भारत का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार देश को तो है ही, पूरी दुनिया को भी है, क्योंकि ये भविष्य का वो हथियार है जो दुश्मनों के घर में तेज गति से घुसकर हमला करेगा। दुश्मन का रडार या आंखें इसे देख भी नहीं पाएंगी। ये भारत के सबसे गोपनीय डिफेंस प्रोजेक्ट में से एक है। शादी ब्याह में फूफा बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसे ही चाइना के सामने जो हिंदुस्तान फूफा बनाने वाला है वो बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। इसकी खासियत ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन भी है यानी कि लॉन्ग रेंज, और ये क्लोज एयर सपोर्ट भी दे सकता है यानी कि ट्रुप्स को। अब इसमें खास बात ये है कि ये मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर सकता है। उससे भी खास बात यह है कि ये तेजस से भी ज़्यादा लाइट है और उसके साथ साथ इसमें अदृश्य होने की शक्ति है, यानी कि इतनी तेज स्पीड से चलता है कि इसे हाइपरसोनिक की कैटेगरी में रखा जा सकता है। आखिर क्या है फूफा? दुश्मन के बंकर हो, हथियार डिपो हो, पावर प्लांट हो या कोई भी टारगेट, भारत के फूफा के हमले से बच नहीं पाएंगे। भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ की संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसकी डिजाइन बनाई है। इस फाइटर एयरक्राफ्ट को देखकर ये पता चलता है कि भारत स्टेल्थ विंग फ्लाइंग के मामले में तेजी से काम करना चाह रहा है। आसमान में भारत की बढ़ेगी ताकत। इस प्रोजेक्ट का नाम है फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। ये ऐसा हथियार है जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान की सेना कांप जाएगी। ये जब दुश्मन के आसमान में मौत की तरह बम बरसाएंगे तो कड़ी से कड़ी सुरक्षा वाले इलाके भी ध्वस्त हो जाएंगे। फूफा चार तरह के मिशन करने में सक्षम होगा। पहला, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव। दूसरा, क्लोजर एयर सपोर्ट। तीसरा, मिसाइल ऑफेंसिव। चौथा, दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदना और खत्म करना।
फूफा से पहले का वर्जन कैट तैयार है। ये हल्का होगा लेकिन इसका अपग्रेडेड वर्जन 5500 किलोग्राम का हो सकता है। भारत का फूफा अभी बेहद शुरुआती दौर में है, लेकिन अभी से पाकिस्तान को दौरा पड़ने लगा है। चीन सदमे में चला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।